नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी नाइन न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर की शुरुआत हम यहां पर करेंगे साधना। मुलायम परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। साधना गुप्ता जो बीते काफी समय से बीमार चल रही थी, उनका आखिरकार निधन हो गया। निधन के बाद कई जो है खबरें उनको लेकर सामने आ रही है, और ऐसे में एक खबर हम अपने दर्शकों को बताएंगे। हम बताएंगे कि कैसा रिश्ता था, जी हाँ, साधना गुप्ता का डिंपल यादव के साथ। भले ही डिंपल यादव जो है वो सही नहीं थी साधना गुप्ता के लिए, लेकिन फिर भी कभी ऐसा देखने को नहीं मिला। जी हाँ, साधना गुप्ता ये बात जानती थी कि अखिलेश यादव जो है वो मुलायम सिंह यादव की पहली पत्नी, उनके बेटे, बड़े बेटे, और साधना गुप्ता ने कभी भी फर्क नहीं किया। साधना गुप्ता ने हमेशा अखिलेश यादव को बड़ा रखा। साधना गुप्ता ने हमेशा अखिलेश यादव को बड़ा माना, बड़ा बेटा मानती थी और प्रतीक यादव को छोड़ा। वो जानती थी कि सबसे ज्यादा अधिकार अखिलेश यादव का। इस बीच में अगर बात करूं तो अखिलेश यादव और साधना गुप्ता की, तो साधना गुप्ता से बहुत ज्यादा नाराज रहते थे अखिलेश यादव, लेकिन बीच में स्थिति काफी ठीक हो गई थी और जो मनमुटाव चल रहा था वो खत्म हो गया था, लेकिन उतना मतलब अखिलेश यादव साधना से रखते नहीं थे। लेकिन इस बीच हम अपने दर्शकों को बताएं कि भले अखिलेश यादव नहीं रखते थे साधना गुप्ता से उतना मतलब, लेकिन डिंपल यादव साधना गुप्ता को अपनी माँ के समान मानते थे, और एक माँ और बेटी का बहुत अच्छा रिश्ता बन गया था। भले ही साधना गुप्ता उनके साथ थे, लेकिन कई बार त्योहारों पर देखने को मिला, फंक्शन में देखने को मिला था, किस तरह से साधना गुप्ता के साथ बैठी नजर आती थी डिंपल यादव, किस तरह से उनके साथ बात करती थी। एक छोटा सा रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे कैसे रिश्ते थे और क्या हालत है आज डिंपल यादव की, साधना की जान। मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के चले जाने से परिवार पूरी तरह से टूटा हुआ। परिवार के हर लोगों के चेहरे पर एक उदासी देखी जा रही है। भले ही साधना गुप्ता मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी थी, लेकिन परिवार को जिस तरह उन्होंने सजा कर सवर कर रखा था ये बहुत। इस बीच डिंपल यादव का तो रो रो कर बुरा हाल है। डिंपल यादव अपनी माँ से ज़्यादा प्यार साधना गुप्ता से करती थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो अचानक उस तरह से छोड़ देंगे। लखनऊ स्थित मुलायम सिंह की आवास पर डिंपल यादव पहुंची और जैसे ही उन्होंने साधना गुप्ता को देखा था, साधना गुप्ता को देखकर वो रो पड़े। इतना ही नहीं, साधना गुप्ता को याद करते हुए वो बहुत ज़्यादा भावुक भी हो गई, और यहाँ तक देखने को मिला कि उनकी आंखों से लगातार आंसू गिरते चले जा रहे थे। हालांकि साधना गुप्ता से मुलाकात करने उनके बेटे प्रतीक और उनकी पत्नी अपर्णा भी पहुंची थी, लेकिन ये माना जा रहा है कि साधना गुप्ता और अपर्णा यादव के साथ साथ डिंपल यादव के जो संबंध थे वो बहुत अच्छे संबंध थे। डिंपल यादव कोई भी परेशानी होती थी वो साधना गुप्ता से जरूर सलाह लेते थे। भले ही अखिलेश यादव का साधना गुप्ता से उतना रिश्ता नहीं था, लेकिन कभी भी डिंपल यादव ने साधना गुप्ता के साथ भेदभाव नहीं किया। कई बार तस्वीर सामने आई जिसमें देखने को मिला कि साधना गुप्ता और डिंपल यादव एक साथ बैठी हुई हैं और हंसी मजाक करते नजर आए। दरअसल साधना गुप्ता ये बात जानती थी कि मुलायम परिवार में सबसे बड़े अखिलेश यादव हैं और वही बड़ी बहू का दर्जा डिंपल को मिलना चाहिए, इसलिए उन्होंने हमेशा अपर्णा और प्रतीक को पीछे रखा, जबकि अखिलेश और डिंपल को आगे। यही वजह है कि अखिलेश यादव और डिंपल भी उनसे बहुत ज़्यादा खुश रहते थे। हाल ही में देखने को मिला कि अपर्णा यादव, डिंपल यादव, अखिलेश और प्रतीक यादव सभी लोग साधना गुप्ता को आखिरी श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे और सबके माथे पर एक शिकन दिख रही थी, सबके चेहरे पर उदासी दिखती नजर आ रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। फिलहाल जिस तरह के हालात देखने को मिले वो सीधे सीधे तौर पर ये बता रहे थे कि कितना बड़ा जो दुखों का पहाड़ है वो मुलायम परिवार पर टूट पड़ा है। हालांकि साधना गुप्ता और डिंपल यादव के रिश्तों को लेकर कई खबरें भी लगातार सामने आई हैं, लेकिन जैसे कि माना जा रहा है कि वो अपनी बेटी की तरह डिंपल को मानती थी और उतना ही अपर्णा को भी मानती थी। तो देखा आपने हमारी रिपोर्ट जिसमें हमने आपको विस्तार से बताया। दरअसल ये जरूर देखा जा रहा है कि फिलहाल मौजूदा समय के जो हालात हैं, मौजूदा समय की जो स्थिति है, वो कहीं ना कहीं ये बता रही कि वाकई मुलायम परिवार
पर दुखों का पहाड़ जो टूटा है उस सदमे से परिवार अभी बाहर नहीं आ पाया, क्योंकि मुलायम सिंह यादव को भी नहीं पता था, परिवार के लोगों को भी नहीं पता था कि इस तरह की स्थिति हो जाएगी या इस तरह से साधना गुप्ता के साथ हो जाएगा। हालांकि साधना गुप्ता को इस बात का एहसास हो चुका था, उन्हें लग रहा था कि शायद अब उनका बचना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को, परिवार के लोगों को बहुत पहले आशीर्वाद दे दिया था। उन्होंने कहा था कि इनके बच्चे आगे भी फलते फूलते रहे, कामयाबी हासिल करते रहे। तो ऐसे में जरूर देखा जा रहा है कि साधना गुप्ता के निधन के बाद से देखिए प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बहुत ज्यादा दुखी होते नजर आए थे। तमाम नेता पहुंचे थे उनके अंतिम संस्कार में साधना गुप्ता के, और देखने को मिला था कि सबकी आंखें ही भावुक हुई थी और सभी यही कामना कर रहे थे कि उनकी आत्मान उनकी आत्मा को शांति दे और मुलायम परिवार का हौसला बढ़ाया जा रहा था और उन्हें सांत्वना दी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।